वो दो तरह के लोग होते हैं। पहला ऐसे पूछते हैं ना, तेरा कोई तो होगा, ऐसे करके पूछते, तेरा कोई तो होगा बता दे, ऐसा वाले। तो वो दो तरह के लोग होते हैं। पहला तो वो जो आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है, मतलब जो बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो जानना चाहता है क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है। तो अगर आप यू नो प्यार में होते हो ना, तो आप एक अलग ही दुनिया में होते हो, तो उसे नजर आने लगता है। तो वो आपसे पूछता है, क्यूरियोसिटी से पूछता है कि भाई कौन है जिसमें तो इतनी यू नो इतना मजा आ रहा है, तुम इतने एंजॉय कर रहे हो लाइफ में, बताओ तो सही। सो उनको बताना नहीं बताना आपका डिसीजन है, बट वो एक तरह के लोग है जो आपके बारे में जानना चाहते हो, आपके दोस्त है तो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप उनको ट्रस्ट करके बता भी सकते हो अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो तो। लेकिन कई लोग मजे के लिए पूछते हैं, अपने सेल्फ मजे के लिए और फायदा उठाने के लिए। वो लोग आपको जानते नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो आपसे फिर भी पूछेंगे, आपको जानते नहीं है, जुम्मा जुम्मा दो दिन हुए होंगे, एक दिन होगा मिले मिले, फिर भी तुमसे पूछेंगे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड कौन है, समझ रहे हो। ऐसे लोग ना सिर्फ मजे के लिए पूछते हैं या फिर उनको कोई फायदा उठाना है आपका, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं है, फिर इतनी क्लोज बात कोई कैसे कर सकता है। तो उसके पीछे के दो ही रीजन है, या तो कुछ नुकसान बनाना है या आपके मजे लेने। सो इन दैट केस ऐसे लोगों से दूर रहो, अवॉइड करो ऐसे लोगों को।